हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन स्ट्रोक्स। तो ये 2013 MIT इंटीग्रेशन बी क्वालिफाइंग राउंड का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, तो इसमें हम 10 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, इसमें हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। लॉग एक्स स्क्वायर माइनस टू लॉग टू एक्स को मैं लिख सकता हूँ, लॉग 2x का स्क्वायर dx, ठीक है। तो फर्दर इसको 2x स्क्वायर माइनस log 4x स्क्वायर dx, और फिर log a माइनस log b इज इक्वल टू log a डिवाइड बाय b dx। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया लॉग 1/4 डी एक्स। तो कॉन्स्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स लॉग 1/4 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस 1 से 3 ई रेस्ट पावर मोड एक्स। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, माइनस वन से लेके ज़ीरो तक ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस ज़ीरो से लेके 3 तक ई एक्स डी एक्स। तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स माइनस वन, इसकी लिमिट माइनस वन से ज़ीरो। ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स अपॉन एक्स का डेरिवेटिव अपॉन वन, ज़ीरो से 3। तो अपर लिमिट पुट करेंगे ई रेज टू पावर 0 1, माइनस को हम आगे लिख लेते हैं माइनस 1 को, और ई रेज टू पावर माइनस माइनस 1 ई रेज टू पावर 1 प्लस ई रेज टू पावर 3 माइनस ई रेज टू पावर 0 1। तो माइनस 1 माइनस 1 प्लस ई प्लस ई की पावर 3 माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं ई की पावर 3 प्लस ई माइनस 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट एक स्टेप में हो जाएगा। तो अगर मैं इसको अलग अलग लिखूं, कोस एक्स अपॉन लॉग एक्स माइनस साइन एक्स इंटू 1/x डिवाइड बाई लॉग एक्स का स्क्वायर डी एक्स। तो अगर हम इस लॉग को देखें, 1/log x का डेरिवेटिव होगा 1/log x स्क्वायर, फिर लॉग का डेरिवेटिव 1/x। तो इसलिए क्या करते हैं हम ओनली इस टर्म को लेके चलते हैं। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, कोस x/log x डी एक्स, इसको हम पार्ट वाइज इंटीग्रेट करें, लाइक ये 1/log x यू और ये वी, तुमने यू को बाहर रखा और वी का इंटीग्रेशन माइनस यू का डेरिवेटिव फिर वी का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन। तो कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स बाय लॉग एक्स माइनस 1/log x का डेरिवेटिव पहले आएगा माइनस 1/log x स्क्वायर, फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, और यहाँ पे कोस एक्स का इंटीग्रेशन 1/sin x डी एक्स। अब देखो ये जो टर्म है ये सिमिलर ये वाली टर्म बन गई। तो अगर मैं इसको दूसरी साइड लेके जाऊं तो अपने बस ये टर्म बन जाएगी, कोस एक्स अपॉन लॉग एक्स, पूरी टर्म को इसको लेके आ रहा हूँ इधर, तो आ जाएगा माइनस
वन बाय लॉग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस सी। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जो इसको हम एक्स एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, इसको हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं एक्स माइनस वन का होल क्यूब डी एक्स। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें एक्स माइनस वन की पावर फोर अपॉन फोर और लिमिट पुट कर देंगे, बस हम इलेवन पुट करेंगे एक्स की जगह इलेवन पुट करेंगे, इलेवन माइनस वन टेन पावर फोर बाय फोर माइनस एक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे वन माइनस वन ज़ीरो, इसका टेन थाउजेंड बाय फोर टू फाइव ज़ीरो ज़ीरो। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रॉपर्टी लगानी है ज़ीरो से उठ, अगर मैं इस रूट थ्री कॉमन निकाल लूँ ज़ीरो से टू स्क्वायर रूट ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, कभी भी हमारे पास कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म आ जाए तब हम एक्स को पुट करते हैं साइन एक्स की फॉर्म में या कोस एक्स, इसको मैं एक्स को टू साइन एक्स साइन टी डी एक्स इज इक्वल टू टू कोस टी डी टी, और इसकी वजह से लिमिट भी चेंज हो जाएगी, अगर एक्स ज़ीरो है तो टी भी ज़ीरो होगा और अगर x 2 हो गया तो t हो जाएगा पाई बाय 2। तो इसको अगर हम लिखें रूट थ्री ज़ीरो से पाई बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 साइन t का होल स्क्वायर dx की जगह हम लिखेंगे 2 cos t dt। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें ज़ीरो से पाई बाय टू टू बाहर आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर टी इंटू टू कोस टी डी टी, इसको और फोर रूट थ्री ज़ीरो से पाई बाय टू वन माइनस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू कोस स्क्वायर सी टी और अंडर रूट आएगा कोस टी कोस टी कोस टी कोस स्क्वायर टी डी टी। तो इसको हम cos स्क्वायर t को लिख सकते हैं ज़ीरो से पाई बाय टू वन प्लस cos टू टी बाय टू डी टी, और अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें यहाँ से टू टू आ गया टू रूट थ्री वन का इंटीग्रेशन t प्लस cos टू टी का इंटीग्रेशन साइन टू टी डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ टू टी टू ज़ीरो से पाई बाय टू इज इक्वल टू टू रूट थ्री पाई बाय टू प्लस साइन टू टी टी के लिए पाई बाय टू रखेंगे तो साइन पाई डिवाइडेड बाय टू माइनस टी के बाद ज़ीरो साइन ज़ीरो ऑल्सो ज़ीरो और साइन पाई भी ज़ीरो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास आंसर पाई रूट थ्री, ये ज़ीरो ये टू और टू कैंसिल। ये भी सिंपल है, इसको हम डायरेक्ट इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स माइनस थ्री की पावर सेवन का एक्स माइनस थ्री की पावर एट डिवाइड बाय एट साइन का इंटीग्रेशन कॉस माइनस थ्री लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट पुट अपर लिमिट पुट करेंगे एक्स की जगह सिक्स थर्टी सिक्स डिवाइड बाय टू प्लस सिक्स माइनस थ्री की पावर एट माइनस कॉस सिक्स माइनस थ्री माइनस लो लिमिट ज़ीरो प्लस ज़ीरो माइनस थ्री की पावर एट डिवाइड बाय एट माइनस कॉस ज़ीरो माइनस थ्री, तो यहाँ पर आ गया 18 प्लस 6 माइनस 3 रेज टू पावर
8 डिवाइड बाय 8 माइनस कोस 3 माइनस माइनस 3 की पावर 8 3 की पावर 8 डिवाइड बाय 8 प्लस कोस माइनस 3 इज इक्वल टू कोस 3। तो यहाँ से कोस 3 कैंसिल, ये कैंसिल, इसका आंसर आ गया 18। तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। साइन एक्स 1 + 10 स्क्वायर एक्स होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो उसका स्क्वायर रूट कर देंगे सेकेंड एक्स डी एक्स, और सेकेंड एक्स होता है 1 upon cos x dx। तो अगर हम cos x को डी पुट करें तो आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स आ गया माइनस डी टी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू माइनस एल एन टी प्लस सी। तो टी की वैल्यू होगी कोस एक्स, तो लॉग कोस एक्स प्लस सी। तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो लॉग प्लस सी। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर मैं पहले हम एक्स थ्री को कॉमन निकालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, नीचे फिर हम एक्स क्यूब कॉमन निकालेंगे तो आएगा एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन डी एक्स। तो न्यूमिनेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स थ्री प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वन एक्स माइनस वन डी एक्स। तो ये टर्म कैंसिल, तो इसको और हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन डी एक्स। इसको हमने फर्दर कैंसिल कर दिया। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स प्लस वन बचा अपने पास, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। तो लिमिट 0 to 1 लॉग एक्स डी एक्स। तो अगर हम इसको पार्ट इंटीग्रेशन में पार्ट से सॉल्व करें, लॉग एक्स और एक है वन, ऐसे कर दें, इसको हम यू लिख लेते हैं, इसको वी। तो सबसे पहले क्या आएगा, लॉग यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी होल की इंटीग्रेशन। तो आ जाएगा अपने पास एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 by x डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस, ये कैंसिल, तो आ जाएगा एक्स। उसकी लिमिट थी 0 to 1, 1 पुट करेंगे, 1 log 1 log 1 0 माइनस 1 लो लिमिट, एक्स की वैल्यू 0 माइनस 0, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 1। इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 1 माइनस ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन डी एक्स। तो अगर हम ई की पावर एक्स माइनस वन को टी पुट करें तो आएगा ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो न्यूमिनेटर में डी टी जाएगा टी, तो आ जाएगा लॉग टी प्लस सी। टी की वैल्यू था अपने पास ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस सी।